नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे आपके जो हैं वो 15 से ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपका उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, जो थड़िया नृत्य आपका कौन सा नृत्य है? तो आपको ऑप्शन जो दिए वो दिए शोक का, महिला के प्रथम बार मायके के आने पर, वीर नृत्य, या विवाह के समय का नृत्य। जो थड़िया नृत्य होता है ये आपका कौन सा नृत्य है? ये महिला के प्रथम बार मायके आने पे जो नृत्य किया जाता है वो आपका थड़िया नृत्य किया जाता है। अगर हम बात करें तो जो घर का आंगन होता है उसको हम थाड़ बोलते हैं, वहीं से आपका ये थड़िया नृत्य आपका बन के आता है। थाड़ मतलब आंगन, ठीक है। तो ये जो है ये मुख्यतः जो ये आपका नृत्य है ये आपका गढ़वाल में किया जाता है। गढ़वाल में जो विवाहित महिलाएं हैं जब वो प्रथम बार वापस अपने मायके आती हैं तो ये नृत्य आपका किया जाता है। और अगर हम बात करें, ये नृत्य जो है मुख्यतः तो आपका बसंत पंचमी से लेके जो आपका विषुवत संक्रांति, बिखौती बोलते हैं, तो जो आपका है विषुवत संक्रांति तक ये आपका जो है ये मेला आपका होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? तो जो गुलाब राय मैदान है, इसी मैदान पर आपके जो जिम कॉर्बेट थे, जिम कॉर्बेट ने जो आपका नरभक्षी है उसको आपका मारा था। तो जिम कॉर्बेट के बारे में आप सभी को पता होगा, ये ब्रिटिश टाइम पे आपका क्या थे, एक बहुत बड़े शिकारी थे। अगर आपने सुना होगा तो जो पौड़ी में और जो नैनीताल में जिम कॉर्बेट हमारा नेशनल पार्क है, ठीक है, पहले इसका नाम कुछ और था, तो वही जो ये जिम कॉर्बेट है उन्होंने गुलाब राय मैदान पे आपका क्या है एक नरभक्षी को आपका मारा था, इसलिए यह मैदान जो है यह मैदान आपका फेमस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपका है कि उत्तराखंड के किस शहर में फुटबॉल अकादमी स्थित है? तो हम सभी को पता है जो उत्तराखंड में आपका फुटबॉल जो अकादमी है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका देहरादून में है। अब यहीं से मैं आपको बता दूं कि जो देहरादून में एक आपके पहले होते थे राम बहादुर छेत्री, ये फुटबॉल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो राम बहादुर छेत्री हैं जिनको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इनको बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन के आता है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोठार बांध परियोजना, ठीक है, कोठार बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर आपका स्थित है? तो ये जो कोठार बांध परियोजना है ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका कोसी नदी पर है और कहाँ पे है, आपका अल्मोड़ा जिले में है जो ये कोठार बांध परियोजना है। इनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। फिर हम बात करें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन आपका जलप्रपात से संबंधित है, ठीक है, कौन से जनपद में खेड़ी जलप्रपात आपका स्थित है? तो बहुत सारे जो आपके जलप्रपात उत्तराखंड में आपके हैं, ठीक है, तो जो खेड़ी जलप्रपात है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका उत्तरकाशी में है। कौन से जिले में है खेड़ी जो आपका जलप्रपात है? ये आपका उत्तरकाशी में है। उसके बाद आपका जो एक लोक नृत्य से रिलेटेड आपका लोकगीत से संबंधित आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है कि भांटा सांटा क्या है, भाटा साटा किस प्रकार का आपका लोकगीत है? तो जो भाटा साटा है ये हास्य व्यंग का आपका है, मनोरंजन का एक प्रकार का गीत। कौन सा गीत है ये भाटा साटा जो है ये आपका मनोरंजन का गीत है। ओके, इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, गढ़वाल पर गोरखाओं का जो प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध आपका किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका किस नाम से जाना जाता है, ये आपका लंगूरगढ़ के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि 1790 में जो है गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद 1791 में ये गढ़वाल पर आपका आक्रमण कर देते हैं। और गढ़वाल के किस जगह पर आक्रमण करते हैं, आपका लंगूरगढ़ पे आपका युद्ध कर देते हैं, ठीक है। और बाद में इनकी जो उस समय के राजा थे प्रद्युमन शाह, उन प्रद्युमन शाह के साथ ये क्या कर लेते हैं आपका संधि कर लेते हैं। हालांकि बाद में वो इस संधि को तोड़ के आपका 1803 में फिर से लड़ाई करते हैं, फिर 1804 में भी आपका क्या करते हैं जो वहाँ के राजा थे आपके प्रद्युमन शाह को वो आपका क्या करा देते हैं, हरा देते हैं। तो जो आपका लंगूरगढ़ की संधि कहें, लंगूरगढ़ का युद्ध कहें, ये आपका कब होता है, ये आपका 1791 में होता है। और गोरखाओं का ये आपका कौन सा होता है, गढ़वाल पर पहला आपका आक्रमण होता है, हालांकि राजा एक ही रहते हैं प्रद्युमन शाह, ठीक है। अगला 8th क्वेश्चन है, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक, ठीक है, तो जो आपका परमार शासक जो है वो आपके कौन है, वो आपके लखनदेव हैं। कौन है? वो
वो आपका लखनदेव है। लखनदेव का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो लगभग 1310 से लेके 1333 तक का इनका जो है वो टाइम पीरियड है। इनका जो टिहरी जिले में इनके आपके जो ताम्र मुद्राएं हैं वो वहाँ पे टिहरी में आपकी मिली हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कहता है भांगड़ी का जो युद्ध है, बांगड़ी का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में होता है। ठीक है, तो जो बांगड़ी का युद्ध है, बांगड़ी आपका देहरादून में है। ठीक है, ये युद्ध जो होता है ये आपका फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में होता है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में हमने पढ़ा है, ये उनके जो थे वो 10वें गुरु आपके थे। फतेहपति शाह के बारे में हमने पढ़ा हुआ, ये मेदनी शाह के पुत्र थे। ठीक है, और इनका अगर हम देखें तो 1684 से लेके 1716 तक का इनका आपका टाइम पीरियड है। और जो ये युद्ध होता है, भांगड़ी का जो युद्ध होता है, ये आपका 1688 में सितंबर के महीने में आपका होता है। कब होता है? सितंबर के महीने में आपका, सन 1688 में जो होता है। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर है 9th का ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप जरूर बताएं। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये है कि पहली क्रोकोडाइल सफारी उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बनेगी। तो जो पहली क्रोकोडाइल है वो आपका उधम सिंह नगर का जो खटीमा इलाका है, खटीमा में आपका जो है, खटीमा में आपकी जो है पहला जो क्रोकोडाइल सफारी है वो बनेगी। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो पुष्कर सिंह धामी जी आपके खटीमा से ही आपके चुनाव लड़े थे, हालांकि वो खटीमा से चुनाव हार गए। तो ये आपका जो एक ककरा वहाँ पे नाला है, ककरा नाला, ठीक है, उसके पास से ही आपका क्या है जो पहली क्रोकोडाइल सफारी है वो आपकी मिलेगी, जहाँ पर लगभग 1.5 मीटर से लेके जो 2.5 मीटर तक के आपके क्रोकोडाइल हैं वो यहाँ पर आपके मिलते हैं। ये आपको बड़ा एक अच्छा यहाँ पे, इससे हमारे यहाँ पे जो पर्यटन वाली योजना है वो आपकी आगे भी बढ़ेगी। अगला 11वां क्वेश्चन है, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है। तो वन स्कूल वन आईएएस जो है वो आपका केरल के द्वारा चलाई गई है। किसके द्वारा चलाई गई है? ये आपका केरल के द्वारा जो है वो चलाई गई है। ठीक है, फिर 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसे नगर पालिका से उच्चीकृत करते हुए नगर निगम बना दिया गया है। हाल ही में किसे नगर पालिका से उच्चीकृत करते हुए नगर निगम आपका बना दिया गया है। तो जो आपका श्रीनगर गढ़वाल है, श्रीनगर गढ़वाल को आपका उच्चीकृत करते हुए नगर निगम बना दिया है। इससे पहले आपके 8 थे, अब श्रीनगर को मिला के टोटल कितने हमारे नगर निगम हो चुके हैं, आपके 9 नगर निगम आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये आपका दिसंबर 2021 में इसकी अधिसूचना आपकी जारी की गई थी। जो 9 है, अगर हम 9 या हम 8 की बात करें, 8 में से जो 5 हैं वो आपके गढ़वाल क्षेत्र में हैं और 3 जो हैं वो आपके कहाँ पे हैं, 3 जो हैं आपके कुमाऊं क्षेत्र में। अब ये कौन कौन से हैं, अगर आप इनके कमेंट बॉक्स में नाम बताना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इनके नाम स्टूडेंट हमें आप बता सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा 9वां जो बना है वो आपका श्रीनगर बना हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूर्णागिरी मेला आपका कब लगता है। तो पूर्णागिरी मेला आपका आजकल ही लग रहा है, चैत्र नवरात्रियां जो हैं, हम सभी को पता है पूर्णागिरी जो है वो आपका चंपावत जिले में आपका एक बहुत फेमस आपका मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर आपका चैत्र नवरात्रियों में आपका क्या लगता है, एक आपका मेला लगता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है कि मैती आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। मैती आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य आपका जो था वो था आपका वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। कब शुरू किया गया ये? सन 1996 में। किसके द्वारा? जो आपके कल्याण सिंह रावत हैं, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा ये क्या किया गया, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा ये आपका शुरू किया गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले और जो हमारा अंतिम हमारा प्रश्न आज का है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने किस नाम से मोबाइल ऐप तैयार किया है। तो ये मोबाइल ऐप का नाम है आपका गौरा शक्ति। कौन सा है मोबाइल ऐप? गौरा शक्ति। इसमें महिलाएं जो हैं आपातकाल की स्थिति में फ़ोन कर सकती हैं, नहीं तो 112 जो नंबर है उस पर आप पुलिस को अपनी शिकायत जो है पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आज हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन करे। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना खुद सेल्फ इवेल्यूशन करें। आपके अगर 12-13 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपके 10 आ रहे हैं तो आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आपका जो है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है। लेकिन अगर आपके 8 से या 7 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपके नंबर थोड़ा सा कम है। तो चलिए स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपने वीडियो बड़े ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, क्वेश्चंस को नोट किया होगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।